साथ ही आप सबको जागरूक करने के लिए आज मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये राष्ट्र धर्म हमारा यही हमें प्रेरणा देता है कि लोकतंत्र में हर एक वयस्क मतदाता को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, आप में से प्रत्येक मतदाता यह संकल्प ले ले, मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के इस मिशन के साथ जोड़ूंगा और 8-7 दिसंबर को होने वाले चुनाव में उन्हें भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के निशान पे मतदान करने के लिए प्रेरित करूंगा। कोई कारण नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जब्बर सिंह सांकला के नेतृत्व में इस विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से चुनाव जीतेगी और कांग्रेस समेत सभी दलों के प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी। कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री जब्बर सिंह सांकला और मांडव से श्री दामूलाल गुर्जर, इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में हम 5-5 मतदाताओं को मतदान केंद्र पर ले जाकर के भारी मतों से ने चुनाव जिताने का कार्य करे, यही अपील आप सबसे करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम। क्या आपको कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहिए कि अगर देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है तो इस देश का गरीब, इस देश का किसान, इस देश का अनुसूचित जाति का व्यक्ति, इस देश का अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति, इस देश का कोल, इस देश का भील, इस देश का मीणा, इस देश का गुजर, इस देश का समाज का प्रत्येक समाज का व्यक्ति कहा जाएगा जिसको आज तक कांग्रेस, कल मैं तेलंगाना में था, हैदराबाद से मैं आया हूं, मैं वहां पर कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को देख रहा था और कांग्रेस का चुनावी घोषणा पत्र वहां पर कहता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो मुसलमानों के विकास के लिए अलग से फंड बनाएगी। मित्रों, भारत का संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया था वो संविधान इस बात की अनुमति नहीं देता है कि हम मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कार्य करें। लेकिन कांग्रेस इस मंशा से अपने आप को बाहर नहीं पाई है क्योंकि विभाजनकारी प्रवृत्ति कांग्रेस की, और देश अब तो काफी जागरूक हो चुका है कांग्रेस के विभाजनकारी मंशों से उभरने के लिए। और इसलिए मैं आप सबका आह्वान करूंगा कि कांग्रेस के विभाजनकारी मंशों पर इस चुनाव के माध्यम से हमें पूरी तरह पानी फेरने का कार्य करना है। और यही अपील करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए मुझे प्रसन्नता देश